बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बीबीसी 11 हेडलाइन न्यूज़ का आवाम की फलाह व बहबूद और अवामी मसाइल को उजागर करने का मिशन जारी और सारी है। इस हवाले से आज असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला उसामा शरून न्याजी ने पुल पीरा और चेक नंबर 602 गाहबे गलोइयाँ मेन रोड पर पड़े कूड़ा करकट के ढेर को 10 दिन के अंदर अंदर उठाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वकार हुसैन उनके साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील लेते हैं। जी वकार, आगा कीजिएगा, क्या कहना है असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला का? जी बिल्कुल, तांदेवाला में 20 साल हुसैन आबाद के अंदर गार्बेज ब्लॉक को असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला ने पार्क के अंदर तब्दील करने के लिए इस पे काम का आगाज़ कर दिया और तांदेवाला के गिरदोनवा में मुख्तलिफ जगहों पे गार्बेज ब्लॉक बनाए गए और कुछ अवामी शिकायत आई जिससे लोगों को वहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशानी है। तो हम असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला उसामा शरून न्याजी से जानते हैं कि वो इसके मुतल्लिक अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे। हाँ जी, वो आपने बड़ा आपका शुक्रिया जी, वो स्पॉट विज़िट मैंने किया, वहाँ वाकई बड़ा इशू है जी, नेगलिजेंस भी आप समझ लें कि है वहाँ पर। तो लेकिन वो मैंने हुक्म दे दिया है सीईओ को कि वहाँ पर जाएं और उसको विद इन 10 डेज एटलीस्ट उसको क्लियर करें सारा। असल में हमारी सारी टीम बिजी है हुसैनाबाद में, तो यहाँ काम कम्प्लीट हो जाएगा, 10-12 दिन का काम रहता है, उसके बाद इंशाल्लाह वो कम्प्लीट हो जाएगा। उसके साथ ये बताएँ कि जो हुसैनाबाद के अंदर पार्क का काम है वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है जी, अभी तो सबसे पहले तो जितना कूड़ा वहाँ पड़ा है वो गायब होगा, उसके बाद फिर घास लगेगा उसको, उसके बाद फ्लावर्स वगैरह लगेंगे, फिर ट्रैक बनेगा उसमें, ये 2-3 महीने उसको लग जाएंगे कम से कम। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला उसामा शरून न्याजी का कहना है कि हम बहुत जल्द जो हुसैनाबाद के अंदर गार्बेज ब्लॉक है उसको पार्क के काम को मुकम्मल पाया तकमील तक पहुँचाएंगे और जो अवामी शिकायात हैं उन पर हम एक्शन भी लेंगे। कैमरा मैन टीम के साथ मोहम्मद वकार हुसैन, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़।